हिमांचल पेंशन संघ ब्लॉक चंबा की मासिक बैठक का आयोजन प्रीति गृह चंबा में हमारे संघ के अध्यक्ष माननीय श्री प्रेम सिंह बेदी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संघ के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया व अपने भिन्न भिन्न मुद्दों को बैठक में रख के उस पर चर्चा की गई व उसके निवारण हेतु आगामी निर्णय लिए गए। सबसे पहले जो हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मुख्य मुद्दा है कि हम जब से ये वेतन बढ़ोतरी पेंशन बढ़ोतरी का लागू हुआ है तब से लेकर कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले मुख्यालय से क्लियर होके अपने दफ्तर में पहुंच चुके हैं व उनको जो वित्तीय लाभ भी मिलना शुरू हो गया है, लेकिन बहुत से मामले अभी भी जिला मुख्यालय से ऊपर शिमला गए हैं, महालेखाकार में लंबित पड़े हुए हैं। तो हर महीने हम यही गुजारिश करते हैं कि उन मामलों को तत्काल प्रभाव से सेटल करके वापस भेजा जाए ताकि उनका वित्तीय लाभ जो है वो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिल सके। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि हमारे जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं बीमारी की हालत में जो भी मेडिकल रिमबर्समेंट की एक सुविधा सरकार ने इनको दे रखी है, बिल भरने के बाद पैसा खर्चने के बाद इस बिल को हम अपने संबंधित विभाग में उसकी सेंक्शन के लिए भेजते हैं, पर बड़े दुख की बात है कि कम से कम 6 महीने साल हो गए हैं विभाग उसमें आंखें मूंद के कान बंद करके बैठे हुए हैं, उन बिलों का भुगतान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पूर्वक नहीं हो रहा और जिससे काफ़ी इनको वित्तीय प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और एक मुद्दा हमारी संघ ने एक बड़े जोर दौर से उठाया है वो नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड के लिए जो HRTC की लोकल बस सेवा है जिसका अंतराल आधे घंटे के बाद रखा गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि आधे घंटे के अंतराल के बाद भी वहाँ पर कंडक्टर नहीं मिलता, ड्राइवर नहीं होता, तो कार के वहाँ से कम आधा पौना घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है और सवारियाँ को इतने घंटे धूप तेज़ धूप में इंतज़ार करके परेशान होना पड़ता है। सारी सवारियों का लेन देन कार्य जिला मुख्यालय में होता है, मरीज़ हैं, खरीदारी हैं, बूढ़े हैं, सभी का काम अपने शहर में है, लेकिन वो बेचारे दूर दराज से आकर नए बस स्टैंड में परेशान होते रहते हैं। तो हमारी HRTC व जिला प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस आधे घंटे के अंतरकाल को कम से कम 10 या 15 मिनट का रूटीन बना के पुराने बस स्टैंड को बसें चलाई जाए ताकि दूर से आने वाले जितने भी यात्रीगण बच्चे बूढ़े हैं वो अपने गंतव्य पे समय रहते रहकर अपना काम निपटाकर अपने वक्त रहते अपने घर वापसी। चंबा चौगान का जो ये मैदान है जो इसको कुमाऊँ मैदान कहा जाता है, जो ऐतिहासिक मैदान है, मिंजर मेले की समाप्ति के बाद वो कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा धनराशि प्रशासन को उपलब्ध कराई है, लेकिन इसके रख रखाव में अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिसको इसकी शोभांतित करे और इसकी देखभाल की जा सके। तो हमारा नगर पालिका व प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द इन मैदानों को फिर से इसकी देखभाल करके इसको एक बार पुनः हरा भरा बनाया जा सके। धन्यवाद।